हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जाहिर है जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें बहुत सारी बातें हो रही थी एनआरओ की, और कल इमरान खान साहब ने हमारे प्रोग्राम पे भी कहा कि एनआरओ कोई भी इदारा अगर करेगा इस बार तो हम सड़कों पे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस के लिए भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि कबल अज वक्त इंतखाबात हों और करवाने चाहिए, मुतालबा उन्होंने दोहराया था। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ गए और उनकी वापसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई बताई जाती थी। मसलन ये कि उनकी वापसी किसका इम्तिहान है और किसका उनका इम्तिहान क्या ख़त्म हो गया और किसी और का इम्तिहान शुरू हो गया, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज भी वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि -1 या 2 पर कोई डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। डिक्टेशन दे कौन रहा है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और कहा जा रहा था कि मरियम और मियाँ साहब मुज़ाहमत जो है वो ना करें, लेकिन कल से उनकी टोन और जो मरियम ने कल जियो टेलीविज़न को मुनीर फारूक को जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर जो उनका लबो लहजा है वो तो मुस्तकिल ये बात कह रहा है कि सारी PMLN एक तरफ और मरियम नवाज़ जो हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं, या मियां साहब और मरियम दूसरी तरफ खड़े हैं और वो है मज़ाहमत की सियासत। और कल खान साहब ने कहा कि कोशिश यही की जा रही है, मज़ाहमत करके की जाएगी कि सिस्टम को डीरेल किया जाए, इसलिए वो कहते हैं कि जी इलेक्शन पहले करवा दिया जाए। मरियम बीबी ने कल बहुत अहम बातें की हैं, बहुत अहम इशारे दिए हैं, और अगर ये कहा जाए कि वो बहुत खूब बोली हैं और बहुत बेहतर बोली हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में अहम इशारे और अहम बातें की हैं बहुत बहादुरी के साथ और बहुत जिसे कहना चाहिए बोल्डनेस के साथ, हम सुनवाते हैं आपको कि वो क्या कह रही हैं और उसका पैगाम किसको मिल रहा है और वो ये क्यों कह रही हैं, ये हम अपने प्रोग्राम में बहस भी करेंगे। जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कल। जब मैंने मीडिया हैंडलिंग शुरू की, मियां साहब पे जो अटैक तब एज प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं उन अटैक्स के दरमियान में दीवार बन के खड़ी हो गई, तो बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार गुजरी। कभी आप उसको डॉन लीक से डराएं, कभी आप उसको जेल से डराएं, तो जो इंसान डरने से इनकार करते उस इंसान के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉन लीक्स में मुझे इन्वॉल्व करने वालों में से एक जो मरकज़ी किरदार था वो तो अल्लाह ताला ने अपने अंजाम को पहुँचा दिया। जो NRO की बात कर रहे हैं उसमें फरीके सानी कौन है, इसकी ज़रूरत मियाँ साहब को नहीं है। -1 की बात हो रही है, -2 की बात हो रही है, इस बात का एतराफ़ है कि डिसक्वालिफिकेशन से जो अहदाफ चाहिए थे वो पूरे नहीं हुए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो आइनी इदारे हैं, तो पार्लियामेंट आइन साज इदारा है। हमारे लिए इंसाफ का ये मेयार है कि हम तनकीद करेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि उधर गुस्सा है, फैसला गुस्से में दिया गया, उजलत में दिया गया। मरियम नवाज़ ने जो बात अपनी विक्ट्री स्पीच में कही, इट वॉज मरियम नवाज़ वर्सेस एवरीवन। इट वॉज़ मरियम नवाज़ वर्सेस एवरीवन, और ये भी कि डॉन लीक्स का जो मरकज़ी किरदार था वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। मैं अटैक्स जो होते थे प्राइम मिनिस्टर पे उनके दरमियान आके खड़ी हो जाती थी और ये बात नागवार गुजरती थी। बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में लोगों को पता होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवाम को नहीं पता होती और हम शायद उस पर बात कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि मियाँ साहब का जो अब ये इक्तदा या सियासत का जो अंजाम होगा या हो रहा होगा वो मरियम की सियासत का नुक्ता आगाज़ है, बन सकता है या बन रहा है। हमारे साथ आज बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल है जो कि एनालाइज़ कर सकता है इस पूरी सूरत हाल को, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब एडिटर भी रहे हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी भी हैं, बहुत गहरी निगाह है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें मुजीबुररहमान शामी साहब भी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे कुछ देर के लिए। हमारे साथ जनाब शाहिद लतीफ़ साहब भी हैं, अगेन एक बहुत बड़ा नाम है और आप इनके तबसरे सुनते हैं। हमारे बहुत हरदिल अजीज़ जनाब
मज़हर अब्बास साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब ने भी कहा है कि वो थोड़ी देर में हमें यहाँ से ज्वाइन करेंगे। मैं ज़िया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि मरियम ने जो कुछ कहा है कल, और जो मियाँ साहब भी अब ये कह रहे हैं कि जी -1-2 डिक्टेशन कुछ नहीं, मुज़ाहमत होगी अब, और डिक्टेशन दे कौन रहा है? नहीं, मुज़ाहमत की जो कल मरियम साहबा ने बहुत सी बातें की, उसमें एक बहुत ही पते की बात उन्होंने की, और उसको उन्हें चाहिए था कि एलैबोरेट करती वो। वो बजाय उसको एलैबोरेट करने के वो मज़ामती इस पर चली गई। इन ये फेस कर रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब करप्शन चार्जेस, और उन्होंने उस करप्शन चार्जेस पे एक ही जुमला कहा कि मेरे दादा ने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोतों को ट्रांसफ़र की। और ये जुमला भी कहा कि वो उस वक्त अमीर तरीन थे, जबकि वो अमीर तरीन नहीं थे। तो नहीं थे, नहीं थे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये जो कहा कि मेरे दादा ने ट्रांसफ़र की, तो ये साबित नहीं कर पाई। यानी इसको मरियम साहिबा को चाहिए कहता है कि इसको एलैबोरेट करती, और वो एक लॉजिकल चीज़ है कि दादा अपने पोतों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, बेटे को नहीं। जो शायद नवाज शरीफ को भी उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, ना शहबाज को किया, बल्कि पोते और पोतियों को कर दिया। तो इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था। मैंने जो करप्शन के चार्जेज जो फेस कर रहे हैं उसमें भी इस आर्गुमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या गलत काम इनके बाप ने जो किया, मियाँ शरीफ ने, वो शायद बाप को बदनाम नहीं करना चाह रहे होंगे, इस वजह से सारा बर्डन हम पे ले रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो मियाँ शरीफ ने किया होगा गलत, तो वो ये नहीं चाहते? अच्छा, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेटली की है। मिसाल के तौर पर जो ट्रेस नहीं हो रहा है ना फ्रॉम दुबई टू सऊदी अरेबिया, पैसा जो वो कैसे गया, बैंक के जरिए जाता तो वो एविडेंस दे देते हैं। तो ये इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को वो एक्सप्लाइट कर रहे हैं टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल पोजीशन। लेकिन आप इम्प्रेस हुए मरियम के? नहीं, मैं नहीं इम्प्रेस हुआ। अच्छा, आप नहीं हुए? मैं नहीं। ओके, मुजीबुर्रहमान शामी साहब भी हमारे साथ हैं। शामी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं कल मरियम का, आपने भी इंटरव्यू सुना होगा, हम भी उस पर ही तबसरा कर रहे हैं कि मरियम बीबी ने कैसा इंटरव्यू दिया है, क्या है, और अब मियाँ साहब वापस आ गए हैं, मुज़ाहमत की सियासत की बात हो रही है, बाप बेटी दोनों कर रहे हैं, तो क्या नक्शा बनने जा रहा है सर? क्योंकि उनको तो रोका जा रहा था कि बोलना नहीं है। नहीं, उनको बोलने से तो नहीं रोका गया, लेकिन असल में मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो बात कही है कि भाई यानी तसादुम तो मेरे साथ किया गया है, मैंने तो किसी के साथ तसादुम नहीं किया। तो ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन ये बातें होती रहेंगी, और मुस्लिम लीग जो है वो अपने तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहेगी, और उसकी कोशिश होगी कि इलेक्शन पर मामला जा पहुंचे। तो मेरा ख्याल है मरियम ने बार बार ये बात भी कही अपने इंटरव्यू में कि मेरी जाती राय है, मैं कुछ पॉलिसी बयान नहीं दे रही, मेरा जो कुछ कह रही है वो अपनी जाती राय कह रही है, और पॉलिसी नहीं है मुस्लिम लीग की। आपको उनके इंटरव्यू से कैसा तासुर मिला है? यानी आप कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा डिफेंस उन्होंने किया, या अच्छा बना? उन्होंने बड़े ही नफे खुले अंदाज में बात की, बड़ी दिलचस्पी भी थी उनमें, और कई फकरे तो ऐसे थे जो उनकी बात की जानी चाहिए। उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया सवाल को, और उनके अंदर एक जौहर पे मौजूद है आगे बढ़ने का। लेकिन ये 2018 का इंतखाब जो है ये उनका इंतखाब नहीं है। वो सियासत में यानी ये नहीं हो सकता कि वो आने वाले एक साल के अंदर मनसब संभाल लें या गद्दी संभाल लें अपने वालिद की, तो वो तो आगे 20 साल का देख रही है ना। बिल्कुल शामी साहब, इंतजार करना पड़ेगा। जी सर, शामी साहब ये भी बताइए कि वो कहती हैं कि डॉन लीक्स में जो मुझे शामिल करने वाला शख्स था या किरदार था वो अपने अंजाम को पहुंचा, तो सर जाहिर है कि अब वो जो बात कर रही है उन्होंने इनकम्प्लीट बात की है, तो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो मरकजी किरदार कौन सा था, आपके नजदीक कौन सा किरदार था वो? जो बात उन्होंने नहीं बताई वो मैं को बताऊं? लेकिन आपको पता तो है। अच्छा, नहीं आपको आप अंदाजा लगाइए, आप भी माशाल्लाह शेराजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आई विश के ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन आपने इतना वक्त दिया, फिर कभी लंबा भी बात करेंगे। मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब आज हम इसी के ऊपर कर रहे हैं कि मरियम का इंटरव्यू, उनका तासुर, उनका डिफेंस, और उनकी जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू उनका आया है सामने,
आप क्या समझते हैं सर? शुक्रिया आसमा। देखिए, सबसे पहले जो आप चाहे नज़रियाती सियासत कर रहे हों या मज़ाहमती सियासत कर रहे हों, उसके दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि जब आप मज़ाहमती सियासत करने जा रहे हों या नज़रियाती सियासत करने जा रहे हों, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नज़रिया है क्या आपका, और उस नज़रिए पे माजी में क्यों नहीं आप खड़े रहे। क्योंकि पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब के मुँह से ये सुना कि अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये कि इससे पहले वो नज़रियाती नहीं थे। तो जब वो नज़रियाती नहीं थे तो क्या थे, और अब जो वो नज़रियाती हो गए हैं तो किस लिहाज से हो गए हैं, और मुझे इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल वो फिर गैर नज़रियाती नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, इस वक्त जो उनके उनके सामने सबसे मुश्किल सिचुएशन है वो ये है कि अपने आप को इन मुकदमात से एहसन तरीके से बाहर निकालना, और या लोगों को ये कन्विंस करना कि ये अदालतें जानिबदार हैं, ये अदालतें उनके हक में जो फैसला नहीं दे रही या उनके उनके ख़िलाफ़ जो फैसला दे रही हैं, ये फैसले जो है जानिबदारी पर वो हैं। तो मेरा पहला सवाल फिर ये होगा कि ये अदालतें कौन सी हैं? दुरुस्त बात, ये अदालतें वो तो नहीं हैं जो पीसीओ की अदालतें हैं ये। अच्छा, फिर ये कि जिस नैब के पास आप गए, जिस जीआईटी के सामने आप गए, तो उस जीआईटी पर उस लम्हे आपने उन दो इदारों पे क्यों नहीं एतराज़ किया कि इनके मेंबरान इसका हिस्सा नहीं होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल्कुल। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत थे, लेकिन हम अदालतों का सामना करना पड़े करेंगे, हम सारा आर्ग्यू करेंगे, तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब दो विकेट्स पर खेल रहे हैं। एक ये कि वो अदालतों में ये कहना चाह रहे हैं ठीक कि हम जो है अदालतों के सामने पेश होके अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने वोटर को ये बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये जो मुकदमा चलाए जा रहे अच्छा, हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इसको पॉइंट आउट किया है। शाह लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और भट्टी साहब ने भी। शाह लतीफ़ साहब, ये जो फिर तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे, इदारों को मिलाइन करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें फौज भी है, और उसके बाद वो मुज़ाहमत करेंगे जो कि सूटेबल नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए इस वक्त। तो आप समझते हैं कि वो तासुर अब बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है और मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है इस मुज़ाहमत में बल्कि इजाफा हो रहा है। मुज़ाहमत तो खैर पहले दिन से नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं समझता हूँ वो खुद जिम्मेदार हैं। ये जिस स्टेज पे भी आज वो हैं, इसकी जिम्मेदारी उन पर है। यानी इतने सारे स्टेजेस थे जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने जुम्मे लिया। आपको याद होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, ये तो हमारे जो एहतसाब के इदारे हैं जिनका उन्होंने नाम लिया, नैब का नाम लिया, एफआईए का नाम लिया, एफबीआर का नाम लिया, आईबी का नाम लिया, और उन्होंने कहा और उन्होंने कोशिश की कि ये इदारे इस मुकदमे को लेकर आगे चले, ये उनका काम है, एहतसाब का काम उनका है। मगर जब उन सब ने इनकार कर दिया तो बड़ी मायूसी के आलम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इदारे तो सारे मुर्दा हो गए, लिहाजा उन्होंने ये काम अपने जुम्मे लिया। मैं समझता हूं कि जो इनिशियल सुप्रीम कोर्ट का जो फेज था, अगर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस्तीफा देते और इससे फारिग हो जाते, एक इज्जत कमाते, अगले इलेक्शन में उनको एक बड़ा मकाम मिलता, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो खुलकर सामने आई, इतनी बड़ी बड़ी फोल्डर्स बन गए एविडेंस के, और ना जाने जीआईटी ने क्या क्या इकट्ठा कर लिया, उनकी पूरी फैमिली का सारे का सारा कट्ठा चट्ठा जो है वो दुनिया के सामने आ गया, और जीआईटी के बाद अब फर्ज जुर्म भी आयद हो गई, अब ये मुकदमे चलने हैं। हाँ। इन मुकदमों की सजा भी होगी और बहुत कुछ होने वाला है। अब वो इन इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जो फाइनल फेज है इसमें किसी तरह बच जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा, अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं, ये मंजरनामा, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। सही। और अब फाइनल स्टेज पे आके उनके पास सिवाय, क्योंकि वो अब रिजाइन वगैरह करने वाला मामला तो खत्म हो गया, उन्हें नाहल करार दे दिया गया, कुछ नहीं उनके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि कन्फ्रंटेशन में जाएं, और कन्फ्रंट
प्रेजेंटेशन के जरिए दुनिया पे जाहिर करें कि ये इदारे हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल उनकी जुबान जो है बार बार, बिल्कुल क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, हाँ, इसके अलावा उनके पास चारा नहीं, बिल्कुल फंस चुके हैं इसमें। लेकिन भट्टी साहब ये बात दुरुस्त है कि आप चूंकि अब इसको पॉजिटिवली देखते हैं, तो बिल्कुल जो शाह लतीफ साहब ने कहा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब को ये पता है कि एट स्टेक कुछ नहीं, सारे पत्ते जो बाकियों ने खेलने थे वो खेल लिए, सब अब हो गया, अब उनकी बारी है, उनका इम्तिहान खत्म हो गया, अब किसी और का इम्तिहान शुरू हो गया है, वो क्या है? किसी और का किसका? आई मीन जो भी वो अपना फरीक समझते हैं कि उनके हरीफ है उसका, वो तो अदलिया को भी कहते हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं, वो तो उन सबको कहते हैं। आपको मैं सवाल करता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब की फरीक अदलिया है? डेफिनेटली नहीं। अच्छा तो फिर सवाल करने का तोकी कोई नहीं। ना 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 ना, आई मीन जो वो क्यों कल आपने मरियम बीबी का इंटरव्यू नहीं देखे, देखे वो ये कहती हैं कि अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसला, वो कहती हैं कि पता है फैसला तो आ चुका हुआ है, हमें पता है कि क्या फैसला होना है। देखिये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उन्होंने लास्ट मीटिंग अभी जो लंदन में भी उनको जर्नलिस्ट कुछ मिले उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे ये तो पता था कि फैसला मेरे खिलाफ आएगा, मुझे ये भी पता था कि एहतसाब अदालतों में कार्रवाई आगे चलेगी। उनको इतराज है सिर्फ दो चीजों पर, एक चीज उनकी यह है कि जो मेरी नाहली, मुझे ये नहीं था कि मैं नाहल हो जाऊंगा, अकामा पे नाहल हो जाऊंगा। दूसरा उनको था मॉनिटरिंग जज का, सिंपल सी ये दो बातें उनकी वो करते हैं। बाकी मरियम साहिबा का तो देखें, इसके अलावा वो करें क्या? एक आपके ख्याल में फरीक कौन, हरीफ कौन है उनका इस वक्त जिसको वो मुखातिब कर रहे हैं? खुद हाँ खुद बटी साहब वो कैसे हाँ खुद, यानी खुद है ना इस वक्त देखना, यानी हुकूमत में भी खुद है यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुद हैं, मियां सब खुद हैं, और उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि मैंने खुद के साथ क्या करना है, यानी खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं उस सूरत हाल पे आ गया। नहीं तब देखें अभी अभी तो उनकी तो अभी 18 का इलेक्शन शुरू होना है। देखिए 28 साल लीडर और सियासतदान में यही फर्क होता है। आप उन्होंने 30-35 साल हुकूमत की है दोनों भाइयों ने, मुश्किल वक्त आता है इंसान पे आता है, हम जो अपने अपनी लाइफ में देखते हैं हमें कितने मुश्किल वक्त आते हैं, उस वक्त क्या हम लड़ना दीवारों से टकरा मारने शुरू करें? भाई आप लीडर हैं, बड़े हैं, इसी को तो मैनेज करना है आपने। लेकिन अगर वो मान जाते हैं तो वो कहेंगे कि जो लोग कहेंगे चोर है ये। नहीं नहीं ये मुन्ना सा सवाल है ना, चुन्ना मुन्ना सा सवाल है कि आपकी वो जो मनी ट्रेल है, मैं तो समझता हूँ सारे इल्जाम गलत है, मगर वो गलत साबित कर दें उसके बाद हम सारे मिलके उनके साथ सड़क पे आएंगे और कहेंगे कि निकलो भाई जिस जिसने साजिश की। सही सही। इस वक्त तो चीजें और करने की जरूरत है और वो उनको करनी चाहिए, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आज हमने अपने वो प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, मजहर साहब वहीं थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे जो वो एक एक करके वो ना करते हैं। वो जीआईटी में क्या जरूरत थी, कहते जूनियर अफसर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं नहीं पेश होता, क्या कर लेना उस वक्त हम सब कह रहे थे कि जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की क्या जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की क्या जरूरत थी, तकरीरें करने की क्या जरूरत थी, बच्चों को इंटरव्यूज दिलवाने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, बहुत सारे ऑप्शन। इसके अलावा हाँ एक और भी ऑप्शन है कि वो बहुत सारे इस मौकों पे कहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मुल्क मसला मेरे मुल्क का और मेरे ओहदे के वकार का है। आपको लगता है कि ये जाती अब जो कुछ हो रहा है ये जाती मफादात के लिए हो रहा है? जैसा मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, बहुत सारे सवालात हैं इंटरव्यू की बुनियाद के ऊपर भी, जैसे डॉन लीग्स का उन्होंने हवाला दिया, और फिर जो अब मुजाहमत की सियासत है, तो जाहिर है कि एक तरह से मुल्क के अंदर अगर वो ऐसी सूरत हाल बनाते तो चार बंदे तो वो भी ला सकते हैं सड़कों के ऊपर, क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ज़िया साहब आपने सुना भट्टी साहब, तो इन्होंने तो खैर मुझसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिया, आज एंकर हो गया ये। लेकिन सर वो ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ फैसला हो चुका है और अब जो कुछ भी हो रहा है ये फॉर्मेलिटी है, मियाँ साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, मतलब कितना बोलेंगे? फिर वही कहूँगा कि इन्हें चाहिए कि फोकस करें करप्शन पर, लेकिन वो करप्शन का जवाब देना है या करप्शन करनी है, इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को प्रमोट करने की। ठीक, ये ब्रिगमैनशिप है, इनके पास तीन मैंने फैक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो PMLN जो है वो इलेक्टेबल्स की है, वो इस किस्म की जो भी मैंने डिस्टर्बेंस होती है तो वो फौरन बिखर जाती है, ये तजुर्बा पुराना है। तो इनका सबसे पहला, अभी तक तो नहीं बिखरा, वही इनका सबसे पहला मकसद ये है कि पार्टी को इंटैक्ट रखे, हवा का झोंका, और जब तक ये पार्टी को इंटैक्ट नहीं, जब तक ये मजामत नहीं करेंगे पार्टी इंटैक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी छोड़ के जाएगा, मेरी बात सुन लीजिए, जो भी छोड़ के जाएगा वो इस मजामती किस्म की एटमॉस्फेयर में उसको लोग गालियां देंगे, तो इसलिए वो दे
जो दूसरा उनका पर्पज़ है सेनेट इलेक्शंस, उसको पार करना है। तीसरा है 2018 का इलेक्शन। अगर 2018 का इलेक्शन हो जाता है उसी दौरान में शायद ये इन्हें इन पे फैसला भी कुछ आ जाए सही तो, लेकिन इलेक्शन के बाद ये जीतने वाले हैं ये मैं कह रहा हूं। अगर ये मजामत ये कंटिन्यू करेंगे तो ये इलेक्शन क्या ये वजह इलेक्शन के बाद फिर वो उनका काम आसान हो जाएगा, फिर वो पैसिव हो जाएंगे। यही वजह है कि लंदन के अंदर जो भी तय पाया उसमें फिर जब वापस आए हैं तो सारे मुंह लटका के वापस आए हैं ना। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर को कहें या शहबाज साहब को कहें, वो गए थे मनाने के लिए लेकिन उल्टा उन्होंने कहा -1 हमें काबिले कबूल नहीं है। लंदन में वैसे तय क्या हुआ है? आई नेट प्रैक्टिस वैसे कर रहा हूँ। हाँ। लंदन में तय क्या हुआ आप बताएं? नेट प्रैक्टिस बताएं आपने प्रैक्टिस नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, लंदन में तय क्या हुआ? हाँ, क्या तय हुआ ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं। उसमें जो भी गए तो यही थे ना कि हमने आपको क्या एजेंडा लेके गए, यही कि आपने बोलना नहीं है, आपने सब ठीक रखना है, आपने अदालतों के सामने पेश होना है, कोऑपरेट करना है, वो तो वो कर रहे हैं। लेकिन मुजाहमत वाली बातें तो हो रही हैं, इदारों के खिलाफ तो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, मेरा इसका तो मतलब है कि -1 का भी उन्होंने कह दिया कि वो भी नहीं। -1 तो कभी भी ये तो पता नहीं, NRO और -1 तो ऐसा फार्मूला हमने लगाया हुआ है अल्लाह के फजल से, जिस पे आते हैं ठोक देते हैं। अब तो मैं अपने घर जाते हुए डरता हूँ कि -1 ना हो जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसे ये तो है ही कोई ना कोई। हाँ। ये तो है ही कोई ना। ये बुनियादी तौर पे एक इशू लेके गए थे, वो इशू ये था कि आप भले पेश हो जाएं अभी लेकिन फिर चले जाएं, और अगर कोई आए इलेक्शन के करीब आके आप आके दोबारा आए, क्योंकि बुनियादी टैक्टिक्स तो है ना कि ट्रायल को थोड़ा सा स्लो किया जाए। ये जो 125 दिन रह गए हैं इस डेडलाइन को आगे ले जाया जाए, ठीक, और ये किया जाए और वो आ पाए। ताकि एक लीडर ने तो वहाँ ये भी कहा कि आप जब इलेक्शन के करीब गिरफ्तार होते हैं तो आपको भी फायदा होगा, पार्टी को भी फायदा होगा, इलेक्शन को भी फायदा होगा। तो जिस पे मियां साहब का अपनी एक सोच है और मियां साहब की एक अपनी राय है, मगर फाइनली होगा यही, ठीक ठीक यही इसी तरह से चलते रहेंगे इसको, और इसको डिले करें। फिर इसका तो हसन हुसैन चले गए, ठीक, बाकी रह गए मरियम साहब और वो इधर हैं, नवाज शरीफ साहब फिर पेश होकर दोबारा चले जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे उसको आगे किया जाए। वो दो एजेंडे तो हैं कि इत्साब नहीं हो रहा, इंतकाम लिया जा रहा है। हाँ। और ये मेरा मसला नहीं, जमहूरियत का मसला है और आइन का मसला है, सिविलियंस बालादस्ती का मसला है। Exactly. ये दो एजेंडे तो वो नैरेटिव पेश कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा ये इसको डिले किया। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, आप एग्री करते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स इस तरह चलेगी ये इलेक्शन तक चलेगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलेक्शन का ही चांस नहीं बन सकता, हो सकता है इलेक्शन हो ही ना अगर इसी तरह मुजाहमत चलेगी, जिसको के डिसएग्री कर रहे हैं। भट्टी साहब के मुजाहमत का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, लेकिन और कोई लफ्ज मिल नहीं रहा इस वक्त डिक्शनरी में, तो ये तो फिर चलता रहेगा, इसका मतलब है। जी मुजाहमत तो है, मुजाहमत जो बयानात हैं उनके हर बयान जो है उसके जरिए मुजाहमत तो नजर आ रही है, यानी अदलिया पे भी हमला है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ भी बाकायदा बोला जा रहा है, एक ही वार में दोनों शिकार करने की कोशिश की जा रही है। जब आप कहते हैं कि जनाब फैसले तो लिखे जा चुके, वो तो अब वक्त के साथ साथ सिर्फ सुनाए जाएंगे, फिर वही अनदेखी कुव्वतों को और देखी कुव्वतों को सबको हमने पसपा कर दिया। ये 120 के इलेक्शन के बाद ये सारे बयान आता है, तो उस जुबान में कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त पॉलिसी बनाई गई है वो यही है कि मुजाहमत किए चले जाएं, मफाहमत की बात नहीं होगी। को पार्टी में बकायदा एक तकसीम भी हो गई, मगर उसके बावजूद मफाहमत के ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया। अब मजाहमत के जरिए इसको इसको मजाहमत को मैनेज किया जाए कि इसको पीक पॉइंट तक ना ले जाएं, जहां कोई फैसला कहीं ऐसा ना हो जाए इनके खिलाफ, इसको ऐसे मैनेज किया जाए कि जिसको वो हम डिले और डाइवर्जन वाली बात करते हैं। और ये इलेक्शन से पहले आपको पता है ना कि वो सेनेट के भी इलेक्शन हैं। जी जी जी, मार्च में सेनेट में मेजॉरिटी ली जाए, और जिसको आज हम NRO कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उसको लफ्ज को जरा तब्दील करना पड़ेगा। ये जो सेनेट के इलेक्शंस में जीत हासिल करना और अपनी मेजॉरिटी बना लेना, ताकि नैब के जो कवानीन हैं उसको उस पर काबू पाया जाए, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको जो है वो कुछ लो आइन में वो जो कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर आइन में वो जो अहल वाला मामला है वो उसको भी हैंडल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसको समझे, NRO वाला मामला है ये भी करना है और इसमें से गुजर कर फिर इसको इलेक्शंस तक लेकर जाना है। तो ये है वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी जिसके ऊपर PMLN चल रही है, अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। वेरी वेल सर, बिल्कुल वेरी वेल सेड। मैं मजे साहब, आई एम सॉरी आपकी लाइन में भी कुछ प्रॉब्लम है और मुझे क्विक ब्रेक लेती हूँ, मैं फॉरन ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है ब्रेक में ज़्यादा अच्छा हो रहा है। भट्टी साहब के लतीफ़े हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ख़तरनाक सवाल है भट्टी साहब और ज़िया साहब से पूछना है। सबसे पहले मज़र साहब से, मज़र साहब, मरियम बीबी के इंटरव्यू पे आपने अभी तक पूरा कमेंट नहीं किया या मैंने सुना नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि डॉन लीक्स में जो मरकज़ी किरदार थे वो अपने अंजाम को पहुँचे, उनकी मुराद किससे है? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी मुराद किससे है, क्योंकि बहुत से लोग इसकी कैजुअल्टी हुई है डॉन लीक्स के हवाले से। तो स्पेसिफिकली जो मरकज़ी किरदार अगर वो ये कह रही हैं तो शायद उनकी नज़र में जो मरकज़ी किरदार हो और चौधरी निसार साहब की नज़र में जो मरकज़ी किरदार हो फ़र्क हो दोनों। तो मुझे नहीं पता कि उनकी नज़र में मरकज़ी किरदार कौन सा है उसमें, लेकिन एक चीज़ वादे है कि देखिए, जो मरियम नवाज़ साहिबा, जो नवाज़ शरीफ साहब मज़ाहमती, हम जिसको मज़ाहमत कह रहे हैं, वो मज़ाहमती तहरीक या वो मज़ाहमती वो चीज़ नहीं है जो हम क्लासिकली देखते हैं सियासत में। क्योंकि ज़ाहिर है कोई तहरीक नहीं है, कोई स्ट्रीट एजिटेशन नहीं है, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी है, आप ही उसी गवर्नमेंट के अंदर आप एक ट्रायल को फेस कर रहे हैं। ये तो हो सकता है कि आपको जुडिशरी से शिकायत हो, जुडिशरी के सामने आप ये पोजीशन ले रहे हो, या एस्टेब्लिशमेंट से आपको प्रॉब्लम हो, एस्टेब्लिशमेंट पे खड़े हो कि आप उसके हवाले से किनारों में इशारों में बात कर रहे हो। लेकिन जो हम मज़ाहमती ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मज़ाहमत कर रहे हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा मुख्तलिफ है जो हम माजी में मज़ाहमत देखते रहे हैं, मज़ाहमती तरीके देखते रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये कोई, जैसे भी लुकमा दिया भट्टी साहब ने कि ये 5-स्टार किस्म की मज़ाहमत है जो कि हो रही है, ये वो वाली मज़ाहमत नहीं है जो कि बीबी ने की थी या भुट्टो साहब ने की थी, खास करके बीबी ने की थी, तो ये वो वाली मज़ाहमत नहीं है। नहीं, ये 3-स्टार है। तो अच्छा, ये 3-स्टार, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुजामत कोई खतरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती है? कल खान साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि ये सड़कों पे लाएंगे लोगों को, ये मिलाइन करेंगे इदारों को। नवाज शरीफ साहब एक ऐसा पॉलिटिकल, अपने तई एक पॉलिटिकल नैरेटिव पेश कर रहे हैं, ठीक, जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, वो अदालत से राय फरार इख्तियार नहीं कर रहे, वो मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं अपने वोटर के लिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है। अब वो उसको आप किसी तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने वोटर को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, मुझे जेल हो गई, मुझे सजा हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुस्लिम लीग को उस लिहाज से मुस्तरद कर दें। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि ये सिर्फ जाती मुफाद के लिए ये सारी मुजाहमत है आपके ख्याल में, या सही मानों में इदारों का तकद्दुस वो चाहते हैं? देखें, ये जो नवाज जी, इसको इनको अक्सर हम लोग बड़ा लाइटली लेते हैं, ये बहुत ही तजुर्बेकार आदमी है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा इस course, बिल्कुल, में, बिल्कुल। वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। डेफिनेटली। और दूसरी बात ये कि इन्होंने टेस्ट किया हुआ जुडिशरी को भी, इन्होंने टेस्ट किया हुआ फौज को भी, ये दोनों को जानते हैं अच्छी तरह से, यानी हम आप नहीं जानते जितने नवाज शरीफ जानते हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को। सही। तो ये मैं कह रहा था ना, ब्रिंकमैनशिप है इनकी, ये उस स्टेज तक कभी नहीं ले जाएंगे जहाँ सब अनसेटल हो जाए। और वो जो डॉन लीक्स वाली मरकजी किरदार, डॉन लीक्स वाली, मिसाल के तौर पे परवेज रशीद का नाम, वो भी विक्टिम थे, राव साहब का नाम, वो भी विक्टिम थे, फातमी साहब, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने किसी और का नाम लेना था, उन जो नहीं लिया उन्होंने। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक तो राहिल शरीफ हो सकते हैं कि वो रिटायर होकर चले गए, दूसरा हो सकता है कि रिजवान अख्तर हों, क्योंकि उनका जो टेन्योर था एएसआई का वो अब्रप्टली ख़त्म हो गया विदिन 2 ईयर्स। और दूसरी बात ये कि उन्होंने रिज़ाइन किया अभी बिफोर हिज रिटायरमेंट, तो हो सकता है कि उनका इशारा उनकी तरफ क्योंकि उन्होंने आगे जाकर मेरे वालिद की सलामती को खतरा हो सकता है, वो उसको ज़्यादा उन्होंने इशारा देने की कोशिश की, वो हर इशू में वो मज़ामती किस्म का जुमला पेश कर देती थी। जी जी, तो उसमें ये भी, तो मैंने समझता है कि कोई इसमें उनको कोई खतरा है नवाज शरीफ साहब को नाम ले लेते। अच्छा, शाहिद लतीफ साहब, आप क्या कहेंगे सर? और एक तो खैर ये मज़ामत वाली बात तो हो गई, अब इसहाक डार साहब के खिलाफ भी घेरा बिल्कुल तंग हो गया है, और जिस तरह से इनकी पॉलिटिक्स चल रही है, सेनेट इलेक्शन आपको नजर आता है होता हुआ?
जी मैं समझता हूँ कि देखिए मैंने भी शुरू में ये बात की थी कि ये सारे जो क्राइसिस हैं और ये जो मज़ाहमत है इसको मैनेज किया जाएगा, ये इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इसको उस पॉइंट तक न ले जाया जाए जहाँ क्लैश हो जाए, क्योंकि क्लैश जो दो मरतबा इनकी टेन्योर में दो मरतबा हुए उसका नतीजा ये भुगत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मज़ाहमत जारी रहेगी मगर इसको मैनेज करना असल में एक चैलेंज होगा और इलेक्शन करवाने इनकी मजबूरी है, ये ज़रूर वहाँ तक ले जाना चाहेंगे कि सेनेट के इलेक्शंस हों, उन इलेक्शंस के बाद जो इनकी कार्रवाई जो मैंने जिक्र किया कि नैब के मामलात में सारे इस चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए दुरुस्त करनी और इसी तरह आईन के रिलेटेड जो मामला है उसमें भी जो वो तरमीम लाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए उसको ठीक करना और फिर इसको लेकर आगे इलेक्शंस में चलना। मैं समझता हूं कि अगले जो ये 7-8 महीने हैं ये इसको मैनेज करना, डिले करना असल मामले को, बीच में अपीयर हो जाना जब बिल्कुल नागुजीर हो जाए और फिर उसके बाद गायब हो जाना, ये हैं वो चीजें जिसको मैं समझता हूं कि आप होता हुआ देखेंगे सही ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और यही नजर आ रही है इसके मुताबिक ही आगे चले। अच्छा लेकिन भट्टी साहब एक तो क्या आपको लगता है कि जैसे ये अगर मियां साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जितना करना था कर लिया है, अब वो जो भी सियासत कर रहे हैं उसूलों की वो कह रहे हैं मैं सियासत कर रहा हूँ, अगर ये अंजाम हो रहा है तो फिर मरियम का ये नुक्ता आगाज बन रहा है आपके ख्याल में सियासत का या नहीं, आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं नहीं ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारा तो जो स्टैंड है वो यही है कि इस वक्त पार्टी सीनियर लीडरशिप दोनों पार्टियों को सामने रख कर, दोनों पार्टियों की जद्दोजहद को जिस तरह की भी है उनको सामने रख के मरियम और बिलावल का क्या बनता है हेड बनना, यानी अगर वो बेनजीर भुट्टो के घर पैदा हुए हैं तो ये नवाज शरीफ साहब, तो इनमें इनका क्या क्रेडिट है? कोई है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। और मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि जब मुशर्रफ दौर में ज़ईम कादरी, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, इन्होंने मारे खाई हैं ये किधर हैं? फिर जवेद हाशमी साहब किधर हैं? तो इसहाक डार साहब क्यों 84 कमेटियों के सरबराह और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? वो तो NRO करके चले गए थे। तो ये जमहूरियत हमारा इस पे इख्तलाफ नहीं है क्या इनकी सुप्रीमेसी बालादस्ती, हाँ जमहूरियत की बालादस्ती वो ठीक है मगर इस वक्त तक कोई नहीं। हाँ ये है कि लेकिन मरियम साहबा ने जो लाइन ली है उस लाइन में पार्टी टूटेगी, उस लाइन में कभी भी सीनियर लीडरशिप इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ये पीछे रह के स्टेप बाय एक्सपोज ना होती, पीछे रह के स्टेप बाय स्टेप आती तो ये वो हैंडल कर लेते। डार साहब का क्या हुआ? तो अब तो जिस तरह खजाना चल रहा है, मुल्क चल रहा है। एक तो मैं तो इस बारे में कहता हूँ कि यहाँ कोई रिजाइन नहीं करना चाहिए, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। ये पाकिस्तान नहीं इल्जामिस्तान है, कल मुझ पर कोई इल्जाम लगा दे तो मैं रिजाइन कर जाऊँ, पहली बात। और नहीं, आप फेवर कर रहे हैं कि इल्जाम के ऊपर उनके खिलाफ तो आज इतना बड़ा माल, अब दूसरी बात, अब दूसरी बात ये है डार साहब की, ये तो मैं जानता हूँ कि वो दिल के मरीज हैं, ये भी जानता हूँ और इस मुकदमे में